आरएसएस की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश दिवस के संबंध में करवाए समारोह के दौरान देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से फतेह गलत ढंग से बुलाए जाने के बाद यह मामला गर्मा गया है। एसजीपीसी के प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बजूंगर ने इसको मंदभागी घटना बताया है। प्रोफेसर बजूंगर ने राजनाथ की इस गलती पर क्या कहा? उस तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जय माता जी तो पूरी याद है, हर हर महादेव पूरा याद है, क्योंकि उन्होंने इस नाल लगा ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों ड्रामा करा जा रहा, इस करके अधूरा बोलिया उन्होंने। जे वो दिलों मनो सत्कार करते तो सब कुछ उन्होंने याद होंगे, लेकिन राजनाथ जी ने जो कहा भी 100 बंद काली सूची, 33-33 साल बंदे घरों बेघर हुए फिर रहे, सरकार दर सरकार बदलती रही है, हिंदुस्तान की सरकार वालों ये तो बड़ा सिखा ना हो की धोखा हो सकता है, धक्का हो सकता है कि सिखा ने काली सूची पाता, देश के अंदर बहुत ऐसे लोग बस रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी बहुत सारे लोग ऐसे जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता अमन शांति भंग करने वास्ते रोज़ बयानबाजी कर रहे हैं, जो जैसे कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये धक्का जो दूर होना चाहिए। ये जो ये बड़ा अफसोस है, एक सारी दुनिया के इतिहास में एक मिसाल है कि अकाल तख्त साहब ढाया गया, हजारों की गिनती सिखा शहीद किया गया, दरबार साहब से गोलियां मारिया गई, श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह गोलियां मारिया गई, और फिर नवंबर के पहले हफ्ते लगातार दिल्ली कानपुर बोकारो होम चलण थां थाई सिखा की नसलकुशी की गई, तो एक 57 हो जाए शाम को बंदे बंद कर देने, एक भी बंदे अज कोई भी सरकार सजा नहीं दवा सकी, एक कमिश्न बन गया, दूजा कमिश्न बन गया, तीजा कमिश्न बन गया, इस करके जिस कौम का इतिहास बहुत उत्तम है, बहुत अजीम इतिहास है, बहुत निराला इतिहास है, जिस कौम के गुरु साहबान ने सिंह शहीदा ने अपने अपने परिवारों के शहीदियां देकर इस देश का धर्म बचाया, इस देश का सभ्याचार बचाया, इस देश का विरासत बचाई है, उस कौम के नाल एडा बड़ा जरा वो धक्का करा जाए, ये किसी तरह भी वाजब नहीं, बड़ा मंदभाग है। दूसरा जितना तो राष्ट्रीय सिख संगत के इकट्ठ का संबंध है, वो सारे सरकार ने देख लिया, सारे देश की सरकार उन्होंने बोलिया किने किने वो शमूलियत की है, कि उन्होंने इरादे ने, उन्होंने ये कहना कि असं ये सिख धर्म को वखरा धर्म मानते हैं, ये है खालसा पंथ सिख कौम एक वक्री कौम है जिदा धर्म सिख धर्म है, यही अश्रोमणी गुरद्वारा पंथ गुरु ने दो बार मते किए ने, यही दुखांत है कि वह इस उल्ट रहे, इस करके जी 1965 की मरदमशुमारी हुई, पंजाब का खा रहे हैं, पंजाब का पी रहे, पंजाब बस रहे हैं, पंजाब बादशाह कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बोली हिंदी लिखाई सी, इसलिए उन्होंने जो नीयत साफ हो मनना चाहिए, जो हम इतने बुद्धि रह रहे हैं, इतने जैनी रह रहे हैं, इतने पादरी पारसी रह रहे हैं, इतने ईसाई रह रहे हैं, इतने मुसलमान रह रहे हैं, वक्रे वक्रे धर्म के लोग रह रहे हैं, उनकी कौम भी वक्रे वक्रिया ने, देश साडा वो देश है जिसे सब कुछ बचाने वास्ते, संस्कृति बचाने वास्ते, धर्म बचाने वास्ते, इस देश की होंद हस्ती बचाने वास्ते, देश का सभ्याचार बचाने वास्ते, देश की भाषा बोली बचाने वास्ते बड़िया कुरबानियां खालसा पंथ ने दिखाई ने, साडा देश है, असं इस लिए बहुत कुछ कुरबानियां दिखाई ने, लेकिन इस देश के अंदर हिंदू सिख मुसलमान ईसाई बुद्धी जैनी पारसी बहुत बहुत कौम बसदियां ने, यह सारिया कौमों का एक गुरदस्ता है, सब का देश सांझा है, लेकिन धर्म वखरे वखरे कौम वखरे वखरे ने, जे इन्हों समाप्त करके जे बाबर की नीति या मुगलों की नीति सी कि यह देश का एक धर्म होगा एक भाषा होगी पर कामयाब नहीं हो सके, और अंग्रेज ने भी इन्ना लंबा समा बड़े जुल्म किए, बड़ा धक्का किया, बड़े ईसाई बीसी लिया के भेजे, उन्होंने भी यही सी कि देश का धर्म होगा ईसाई धर्म होगा, बोली होगी अंग्रेजी बोली होगी, लेकिन काम नहीं होता, काम नहीं हो, कोई भी ताकत जी है शक्ति जी भावें वह देश की हो बैरूनी हो, जे वो देश दियाँ ये वटा डौलों जड़िया ने ये ढाण का यतन करेगी वो कद कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने अपने मनसूबे साफ करने चाहिए ने, गुरु साहबान सारे जगत के सांझे ने, पर जिस दीयत नाल जिस हिडन एजेंडे दे नाल वो किया गया काम वो बड़ा मंदभागा।
आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡਿਕ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਓਟੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਪੱਕੀ। ਸੱਚ? ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ।